अरे यार भाई, जब भी मैं तुझे देखूँ तो बाइबल पढ़ने में लगा रहता है। अरे यार, मुझे लगता है तू तो पागल हो गया है। रात दिन बाइबल में लगा रहता है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि तू ईसाई बन गया है। कितने पैसे मिले हैं तुझे, ये तो मुझे बता दे। अच्छा, तो तुझे पता है क्या बाइबल क्या है? मैं बताता हूँ तुझे, ये बाइबल वो है जो परमेश्वर ने अपने मुख से बोला है, वो वचन है। और जब कोई इसे पढ़ता है ना, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरे भाई, मैं तुझे कहना चाहूँगा, पहले बाइबल को पढ़, फिर तुझे पता चलेगा कि बाइबल आखिर है क्या। और बात रही पैसे की, जो तू कह रहा है ना मुझे कि तुझे पैसे दिए गए, भाई पैसा तो किसी ने मुझे दिया नहीं है, लेकिन मैं इतना इतना विश्वास जरूर करता हूँ अपने खुदा पर कि वो मुझे बहुत कुछ देगा। जब मैं इसको पढ़ूंगा, इस वचन पे चलूंगा, तो मुझे हर प्रकार की आशीषें भी देगा। अरे यार, मैंने भी सुना था कि लोग आजकल ईसाई बनाकर लोगों को पैसा देते हैं। कितने पैसे मिलते हैं, मुझे भी तो बता दे। अच्छा, तो लोगों से सुनकर तू भी आया है और कह रहा है कि पैसे दिए गए हैं तुझे। देखो, मैं बता दूँ, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पैसा कोई देता है तो इस बात को साबित करके दिखाओ, क्योंकि पैसा कोई यहाँ पे भी देता नहीं है। बट एक बात तो जरूरी है, जब कोई इस वचन को पढ़ता है ना, उसका जीवन बदलता है, और शायद तुझे दिखता होगा। हाँ, वैसे तुझे देख के लगता तो है कि तुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, बट यार तू बहुत बदल गया पहले से। मतलब पहले क्या क्या करता था, अभी क्या कर रहा है? अभी तो रात दिन बाइबल में लगा रहता है। कुछ तो है तेरे अंदर चेंजेस। और एक बात तो है, तेरे खुदा में कुछ बात है। तो इसलिए तुझे भी कहूँगा भाई, इस बाइबल को पढ़ और इस बाइबल के खुदा को जान, यीशु मसीह को जान। उसने तेरे लिए क्रूस पे अपना लहू बहाया है। अगर तू इस पे विश्वास करेगा, वो तुझे बदल देगा। और रही बात पैसे की, खुदा के पास इतना है, वो तुझे इतना देगा कि तू दूसरों को देने वाला बनेगा। और यहाँ पे कोई धर्म जात की बात नहीं है, कोई पैसा नहीं देता है मेरे भाई। मैं पहले भी गरीब था और आज भी गरीब हूँ, लेकिन आत्मा में बहुत अमीर हूँ। प्रभु से प्यार करता हूँ, प्रभु मुझसे प्यार करता है। मैं जानता हूँ वो परमेश्वर मेरा पिता है और वो मेरी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा।